नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। जिले के आगर नगर से भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष अजय जैन ने अपने होटल के लिए बड़ौद रोड चौराहे पर शासकीय जगह निजी डीपी लगाई गई। मामला दिन प्रतिदिन तुल पकड़ता दिखाई दे रहा है। इसका सीधा खामियाजा आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। नाम अजय जैन, पिता कन्हैया लाल जैन, निवास आगरा बड़ोद रोड, पेशे से एक व्यापारी है। साल 2019-20 में भाजपा मंडल अध्यक्ष का दायित्व सौंपा। अजय जैन अपने पद का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, यह आगर शहर की जनता अच्छे से ही जान चुकी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा के करीब है अजय जैन। भाजपा के गढ़ कहे जाने वाली आगर विधानसभा में 2020 उपचुनाव हारने का कारण अजय जैन है। जैन कहीं बाहरी विवादों में रहे हैं। आगर नगर में भाजपा का दबदबा कायम रहता था। 2020 उपचुनाव में कांग्रेस के विधायक विपिन वानखेड़े को अच्छे वोटों से जीत मिली। जैन ने करीब 1 बीघा से अधिक जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। चर्चा का विषय यह भी बना हुआ है कि जैन की निजी भूमि पर चंदन के पेड़ लगे हुए थे। वह पेड़ 1 महीने पहले ही चोर काट ले गए। सीसीटीवी फुटेज में क्लियर दिख रहा है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई चंदन तस्करों पर। फिरियादी बहादुर सिंह पिता पर्वत सिंह द्वारा स्टे लाने के बाद भी डीपी का काम चल रहा है, क्योंकि नेताजी आखिर नेताजी है और फिर सत्ताधारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष है। ये बड़ोद रोड चौराहे पे गिरजा शंकर मेडिकल जो बहादुर सिंह जी के किरायेदार है, ये यहाँ पे कमर्शियल एरिया है और यहाँ बैंक को काफ़ी भीड़ लगी रहती है, पास में होटल भी है। इस कारण से यहाँ पे डीपी लगाया जाना मतलब एक तरह से नुकसानदायक हो सकता है भविष्य में, तो जिसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा ज्ञापन वगैरह भी दिया है और इसके विरोध में है। समस्या मेरी ये है कि मेरी दुकान जस्ट लगी हुई डीपी लग रही है, इसमें समस्या है क्योंकि कल से मेरे यहाँ भीड़ रहती है। दुकान कल से कोई हादसा होता है तो उसकी जवाबदारी का प्रशासन लेना हो तैयार है, तो मैं तैयार हूँ उसको लगवाने के लिए, मगर प्राइवेट सरकारी जगह पर निजी डीपी लगने से मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। बीसीएन न्यूज के लिए आगर मालवा से अंकित दुबे की रिपोर्ट। आदिवासी नाबालिग युवती को बहला फुसला कर ले जाने वाला फरार युवक मुखबिर की सूचना पर पुलिस कन्नौज के द्वारा किया गया गिरफ्तार। ब्रजेश सिंह कुशवाहा एसडीओपी कन्नौज के द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया कि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपहरण नाबालिग बालक बालिकाओं की दस्तियाबी हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में 2 साल से फरार 10,000 के इनामी आदिवासी नाबालिग अपहरण आरोपी यूनिस पिता करीम खान निवासी हथनोरा जिला खंडवा को गिरफ्तार कर नाबालिग युवती को दस्तियाब किया गया है। युवती नाबालिग होने के कारण काउंसलिंग हेतु वन स्टॉप सेंटर देवास भेजा गया है। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने पर जेल भेजा गया है। अपहृत बालक बालिकाएं की दस्तियाबी हेतु एक अभियान चलाया गया था। उस अभियान के तहत अपहृता किरण निवासी डांगरखेड़ा की उम्र 14 साल को यूनिस जो उसके डांगरखेड़ा में काम करने आया था वो बहला फुसला के भगा के ले गया था। किरण के पिताजी की रिपोर्ट पर से धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध थाना कन्नौज किया गया था। अपहर्ता की तलाश पुलिस पार्टियां 2018 से घूम रही थी, उनको खोज कर रही थी अपहर्ता की और आरोपी की। कल मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि अपहर्ता व उसका आरोपी यूनिस कन्नौज नगर निगम चौराहे पे खड़े हैं और इंदौर जाना चाहते हैं। उक्त मुखबिर की सूचना पर से तत्काल फोर्स भेजकर उनको पकड़ा गया, दस्तयाब किया गया, महिला से पूछताछ की गई और उसकी जब जन्मदिन जन्म तारीख देखी गई तो अभी भी मात्र वो 16 वर्ष की है। आरोपी यूनिस उसको बहला फुसला के भगा के ले गया था। यूनिस पर धारा 363, 366, 376 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसको गिरफ्तार किया गया है। बीसीएन न्यूज के लिए देवास से चंचल भारतिया के साथ अरुण उइके की रिपोर्ट। सिंधिया समर्थक सरपंचों को झूठे प्रकरणों में फंसा कर किया जा रहा है प्रताड़ित। परेशान सरपंचों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन।
आगर कलेक्ट्रेट में जनपद पंचायत आगर एवं बड़ौद के ग्राम पंचायतों के सरपंच ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन कलेक्ट्रेट अधीक्षक भू अभिलेख राजेश सरवाटी को सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि हम सभी सरपंच राजनीतिक रूप से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक रहे हैं और आज भी हम उनका समर्थन करते हैं। ऐसे में कांग्रेस की सरकार के समय भी हम सरपंच के पद पर कार्यरत थे और आज जब भाजपा की सरकार है तब भी हम सरपंच के पद पर कार्यरत है। ऐसे में स्थानीय राजनीतिक गुटबाजी के कारण हम ग्राम प्रधान शिकायतकर्तागण को प्रताड़ित करने के लिए हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाकर स्थानीय राजनीतिज्ञों के द्वारा कलेक्टर महोदय आगर को झूठी शिकायत कर प्रकरण दर्ज करवाए गए हैं एवं अपने प्रभाव में झूठी जांच रिपोर्ट अधिकारियों से कलेक्टर एवं जिला पंचायत को दिलवाई गई है। यह कि कलेक्टर के द्वारा हम सरपंचों पर की जा रही झूठी जांच के आधार पर की जा रही कार्रवाई से हम सभी सरपंचों को घोर मानसिक कष्ट हुआ है, जिससे शासन की योजनाओं का लाभ ग्रामवासियों को नहीं मिल पा रहा है और विकास कार्य अवरुद्ध हो गया है। ऐसे में हम सभी सरपंच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग करना चाहते हैं कि वह अगर कलेक्टर को निर्देशित कर पार्टीगण सरपंचों के विरुद्ध झूठी कार्यवाही निरस्त करे। BCN न्यूज के लिए मध्य प्रदेश आगर मालवा से अंकित दुबे की रिपोर्ट। पवई जनपद के अंतर्गत मोहनरा के पास माँ दानदाई माता मंदिर में 18 पुराण श्रीमद् भागवत कथा की निकाली गई भव्य कलश यात्रा। सिमरिया जगदीश स्वामी मंदिर से प्रारंभ होकर मोहनरा होते हुए माँ दानदाई माता मंदिर तक निकली गई विशाल कलश यात्रा सिमरिया तहसीलदार रविशंकर शुक्ल जी के नेतृत्व में समस्त नगर वासियों व ग्राम वासियों के सहयोग से 18 पूरण श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कथावाचक पंडित श्री महंत श्री किशोरदास देवजी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत 18 पुराण का आयोजन किया जाएगा। दिनांक 4 मार्च से दिनांक 12 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। BCN न्यूज के लिए पवई पन्ना से कैलाश कुमार पांडे की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।